दिल्ली था, दिल्ली के पास बाद में गुड़गांव। हेलो गाइस, अभी इस वक्त हूँ मैं जायजा के रेलवे टर्मिनल पे, रेलवे स्टेशन पे। तो जायजा एक प्रकार से मतलब गांव मानिए आप, सबर्बन एरिया में है, मॉस्को से बाहर। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि रशिया के अंदर जो छोटे कस्बे हैं या टाउन हैं, जहाँ गांव है, उनको कैसी ट्रेन फैसिलिटीज़ मिली हुई है, कैसी ट्रेन से चलती हैं। तो अभी यहाँ से मैं समझिए कि एक गांव में हूँ, नेशनल पार्क में आया हुआ था, तो वहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो वापस जो मॉस्को के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है मिटिशी, वहाँ तक का सफ़र करेंगे इसके साथ। तो तब तक आप समझिए कि ये कैसी ट्रेन सर्विसेज है, सबर्बन ट्रेन्स की टिकट्स कैसे लेते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको। टिकट काउंटर पे लिखा होता है इन्होंने कास्का, है ना, कास्का लिखा होता है, साथ में इंग्लिश में टिकट्स भी लिखा होता है। तो आपको समझाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है इस प्रकार से। How much? $468. Okay. अभी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, देखते हैं, शायद ये इसमें लिखा हुआ है ट्रेन्स टू मॉस्को, जो मेरा स्टेशन है मॉस्को की साइड ही है, तो शायद ये इधर से इसी प्लेटफॉर्म से चलेगी ट्रेन में। आपको फ्रंट व्यू में ये है इसकी, जब हमने एंट्री करनी है तो एंट्री के टाइम पे ये ट्रैक्स लगे हुए हैं, एक साइड 1 है, एक साइड 3 है। और टाइम टेबल आ रहा है स्क्रीन पे, और ऊपर जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रेन्स टू मॉस्को, तो शायद मॉस्को के लिए इधर से ही होगी, पता कर लेते हैं फिर पता चलेगा। हाँ, भाई साहब से पूछते हैं। टू मिटिशी, मिटिशी не митиши та платформа не будет будет вот окей окей это можно и здесь можно и здесь можно и здесь окей через 4 минуты можно здесь нет сюда окей только налево окей thank you спасибо я actually भूल जाते हैं बार-बार। तो पहले वो कह रहे थे कि दूसरी साइड है, लेकिन फिर उन्होंने चेक किया तो इस साइड ही है, इस साइड आएगी। यहाँ पर जाउजा का ये स्टेशन है, और जाउजा का स्टेशन है, और मेरी जो ट्रेन है वो यहाँ पर आने वाली है मॉस्को की। तो जैसे ही ट्रेन चली ना स्टेशन से, तो मेरे साथ एक और भाई साहब चढ़ गए हैं, अपने ये प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और ये बेच रहे हैं। तो ये लगभग वैसा ही है जैसे अपने लोकल बसेस में, गांव की बसेस में या ट्रेन्स में इस प्रकार से लोग कुछ सेल करने वाले आ जाते हैं। तो ये यहाँ रशिया की जो गाँव की ट्रेन है उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है। तो अभी एक मोहतरमा है जिन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा इसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, लोगों से ज़बरदस्ती किसी प्रकार से कुछ नहीं मांग रही, अपना गीत गा रही है और इच्छा से जो कुछ देना चाहे वो दे देता है। Yeah.
एग्जिट है, ये निशान देखिएगा, ये एग्जिट का है। सारी अनाउंसमेंट्स यहाँ पर वो रशियन में होती है। इंग्लिश में अनाउंसमेंट आपको थोड़ी बहुत कभी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं उनमें आपको मिलेगी, लेकिन उसमें भी काफ़ी जो एक्सेंट है वो रशियन है, कई बार मिस हो जाती है, पता नहीं चल पाता। बाहर निकलना है, बाहर निकलते समय एग्जिट के समय भी ये जो हमारी टिकट है ये स्कैन होती है इन ट्रेन्स में, जो सब अपन गांव में जाने वाली ट्रेन्स हैं। एग्जिट खुल गए, अभी इधर से बाहर निकलते हैं। ये जो रेलवे स्टेशन है ये है मित्तिशी का, अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स मॉस्को से दूर। मॉस्को रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है मित्तिशी, जैसे
अपने वहाँ बड़े शहरों के आसपास छोटे शहर बन जाते हैं, जैसे पहले दिल्ली था दिल्ली के पास, बाद में गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा। तो उस प्रकार से एक मॉस्को रीज़न काफ़ी बड़ा रीज़न है उसके आसपास, इसको मितिशी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं और सामने शायद कोई आ रहा है, लोग आ गए, कॉफ़ी भी ले आए। ओके।